remember? Not really, but why? It's about an accident. Two bikers and one old couple died. So sad. Actually, these things are very common these days. Yeah. लोग एक रैली निकाले अपने स्कूल के बच्चों के साथ और स्लोगन बोलते बोलते चले। हम स्किट को डेमोंस्ट्रेट करके उससे भी तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हमारे प्लैकर्ड्स पर लिखे हुए स्लोगन उन्हें समझ जरूर आएंगे और हाँ, शायद प्लैकर्ड्स पर लिखे स्लोगन से भी तो वो हमारे मैसेज को समझ सकते हैं। कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे मम्मी जाना है जाना। पापा बाइक की चाबी देना। बेटा संभाल कर। हाँ पापा संभाल के जाऊंगा। भैया हेलमेट, भैया हेलमेट। अरे नहीं पहनना मेरे को, मेरे बाल खराब हो जाएंगे ना। ये देखिए, ये रहा आपका बेटा। कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया इसका। घर वालों को ये चिंता लगी रहती है कि हम सही सलामत अपने घर में वापस आ जाएं। इसीलिए हम जब भी हमारे गार्जियंस या हमारे बड़े जब भी कोई भी व्हीकल से निकलते हैं, सपोज टू व्हीलर से निकले, तो हेलमेट जरूर उनको बोलिए कि पापा मम्मी भैया कोई भी यदि जा रहा हो टू व्हीलर से, तो उनको बोलिए कि भाई आप हेलमेट पहन के जाओ, हेलमेट अति महत्वपूर्ण है। आज सेंट जॉन्स स्कूल सेवद बड़ी में बच्चों के द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए लोगों में रैली निकाल कर यह संदेश दिया है। रोड सेफ्टी इटसेल्फ सेज दैट सेफ्टी ऑन रोड्स एंड दैट सजेस्ट दैट व्हेन वी विल स्टार्ट टू फॉलो रोड सेफ्टी आई बिलीव ऑन मनी रोड एक्सीडेंट विल बी देयर ईच एंड एवरी डे। When we in the morning used to read newspaper and find accidental news, those news will never come again in those newspapers. At last, I want to say that please follow road safety and make your life and your loving ones better and healthy. Thank you. मैं हमारे स्कूल के सभी बच्चों को, उनकी हेल्प करने वाले टीचर्स को और डिजाइन फॉर चेंज को थैंक्स करना चाहूँगी जो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सोसाइटी के वेलफेयर। बच्चा लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।